आज के बाद इस ऑनलाइन क्लास में हम दूसरी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स की, और मेरे साथ ईशान जी है टोरंटो से। तो ईशान जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम सबसे पहले बताएंगे फाइल की प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए, हम लोग जब फाइल बनाते हैं तो फाइल्स को सेव करते हैं। सेव करते समय हम फाइल्स के कुछ कॉमन नेम रखते हैं, जैसे कि डेटा, बुक वन, समरी, रिपोर्ट। तो शुरुआती दौर में तो हमें उसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज रखा हुआ है। जैसे सामने में डेटा है, अब मैं जब तक इस फाइल को ओपन ना करूं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इस फाइल के अंदर में क्या डेटा है, किसका डेटा है, कैसा डेटा है। क्या सर जी? अब जहां तक मेरी रिसर्च कहती है कि हम अपने ऑफिस का कम से कम 20-30% जो टाइमिंग है वो हम सिर्फ फाइल फोल्डर को ढूंढने में बिताते हैं। सही बात। तो अब हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें फाइल फोल्डर को ढूंढने वाला सिस्टम खत्म कर दें या इजी हो जाए। अब जैसे कि मुझे, मैंने सर्च मारा डेटा नाम की 5 फाइल लिखते, अब 5 फाइल को मैं खोल खोल के देखूंगा तब जाके पता चलेगा कि डेटा कौन सा है। उससे अच्छा है कि हम उस पर कर्सर रखें। कर्सर रखते ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है ना सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक, ऑथर, आईटी स्कूल, साइज और डेट ऑफ मॉडिफाइड। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कर्सर रखते ही मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया चीज ऐड हो गया, टाइटल जी। इसमें लिखा हुआ है पावर बीआई क्लासेस फर्स्ट डेटा एंड एग्जांपल। इससे कुछ समझ में आ गया कि हाँ, ये पावर बीआई क्लासेस पहली क्लासेस की डेटा और एग्जांपल है। सही। तो मुझे इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो सेम चीज हम यहां कर रहे हैं, हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में डिटेल्स पे आएंगे, डिटेल्स बाय टाइप। ये आपका टाइटल है, मैं यहाँ पे पिवट टेबल एग्जांपल डेटा, सब्जेक्ट में डालते हैं सैंपल डेटा। अब इसके टैग, राइट सर, टैग क्या होता है आप कीवर्ड जानते हैं जी? एक कीवर्ड्स है समरी, रिपोर्ट, लिंक, इस तरह के कीवर्ड देते, मतलब कि इस फाइल को और कितने नामों से हम जानते हैं वो यहाँ पे डाल देते एंड ओके कर देते। तो ये हर फाइल के साथ मत कीजिए, हर फाइल के साथ करेंगे तो फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा ना सर। आपके जो इम्पोर्टेंट फाइल उनके लिए क्या? अब इस पे जैसे कर्सर जाएगा, कर्सर जाते ही आपको दिखेगा फिबर टेबल एग्जांपल डेटा सैंपल। तो मुझे इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैं सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप या जो लोकेशन पे गया और मैंने यहाँ पे रिपोर्ट सर्च किया, हालांकि फाइल का नाम रिपोर्ट तो नहीं है, मैंने रिपोर्ट सर्च किया, डेटा हमारा पहले नंबर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कीवर्ड में डेटा है, कीवर्ड से ढूंढ रहा है, राइट। आप टैग डालेंगे वो सबसे टॉप पे आएगा, यही मेथड पे आपका गूगल भी चलता है, गूगल सर्च भी चलता है। सही। कीवर्ड कितनी स्ट्रांग होती है उसकी हिसाब से उसकी वेबसाइट शो करती है। ठीक है जी, चलिए इस तरह से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लियर है विदाउट इसमें? ना, बिल्कुल। अब दूसरी चीज आती है कि जैसे मैंने बोला कि हम अपने 30% का टाइमिंग फाइल को ढूंढने में बिता देते, तो उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए कि पूरा फाइल हमारे लिए इजी हो जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले बोला था कि सिर्फ हम क्लास नहीं देंगे, क्लास में अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करें। सही। तो मैं क्या था कि जब मैं एक ऑफिस में काम करता था, तो बेसिकली कहते हैं जब मैं काम करता था तो मैं नौकरी बहुत रिजाइन करता था। क्या था कि हर सैटरडे को मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता,
कहेंगे किसी ने किसी कंपनी में सैटरडे संडे मेरी छुट्टी शुरू से छुट्टी है, पहले ही हमारी जो जॉब थी उसी में मुझे सैटरडे संडे की ऑफ मिलने लगा था। तो सैटरडे एंड संडे ऑफ होती थी तो मैं हमेशा एमएनसी कंपनी में जाके इंटरव्यू देता था, Naukri.com के थ्रू चला गया या फिर बाकी इंटरव्यू में चला गया, पेपर देख के चला गया, कैसे भी चला गया और इंटरव्यू कनेक्ट करता था। और मैं ब्रावर डिजाइन मारते रहता था, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई तो छोड़ दिया। सही, यानी कि स्टार्टिंग था तो हम करते थे लेकिन रिज्यूम में मेंशन साफ नहीं करते। मैंने तकरीबन 14 कंपनियां ज्वाइन की है सर अभी तक, रिज्यूम में मैं 8-10 ही मेंशन करता हूं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हैंड ओवर देना। दो प्रॉब्लम पास आती थी, पहली प्रॉब्लम आती थी हैंड ओवर देना। तो हैंड ओवर में जो मेरी जगह पे आता था उसके हर किसी को हर फाइल के बारे में बताना पड़ता था कि ये फाइल कहाँ है, ये डेटा यहाँ पे है, डेटा यहाँ है, डेटा यहाँ है। और जॉब छोड़ने के बाद भी मुझे काफी दिनों तक कॉल्स आते थे कि भाई फलाना फाइल कहाँ रखे गया हुआ है। कॉमन सी बात है, होता है जी जी। तो मैंने सोचा कि इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक फाइल लोकेशन सिस्टम तैयार कर दिया। मतलब कि मैं एक्सेल सीट पे मैंने लगाया कि डेट, किस डेट को फाइल का नेम हमने क्या रखा हुआ है, और किसके लिए बनाया हुआ है, सेंड किसको भेजा गया है, ठीक है, और भी जो डिटेल्स हो सकती थी हमने डाल दिया और इस पे हमने ओपन करके, अगर से मान लीजिए कि आज के डेट है, हमने डेटा नाम का फाइल बनाया, हमने किसके लिए बनाया, तो मान लीजिए मैं ईशान जी के लिए बनाया, किसको भेजा, तो मान लीजिए मैं सूरज को भेजा, और ओपन में हमने यहाँ पे ओपन दिया, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक लगा देंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के होता है, या फिर आप लिंक पे जाए लिंक लगा सकते। और मैं अपने लोकेशन पे आता हूँ, तो लोकेशन से डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है सर। या फिर इसकी जो पाथ है, इसकी पाथ को पेस्ट कर दिया, हाइपरलिंक मान लो डिलीट हो सकते हैं, कॉपी करके इसमें वैल्यू पेस्ट मार दिया वगैरह वगैरह। तो हमने इसकी पूरी पाथ को लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही। अब ऐसे मैंने सारे फाइलें अपनी जितनी फाइलें हैं वो कर ली, तो नेक्स्ट टाइम में ढूंढने में हम फिल्टर लगा सकते हैं, इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं डेट वाइज, तो इजिली मिल जाएगा ना सर। तो इसका यूज हम कर सकते थे। तो अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम आएगी, आप इसका यूज करना शुरू करेंगे तो दो प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम आएगी कि आप अभी तक मेरे हिसाब से आपके सिस्टम में 500 फाइल तो होगी कम से कम। जी बिल्कुल। अब 500 फाइलों की एंट्री करने में तो आपको तो कई दिन लग जाएंगे। क्या? तो आप क्या करें कि जो पहले की फाइलें बन गई है उसको छोड़ दें, अभी इस चीज को शुरू कर दें। ओके ठीक है। और जो पहले की फाइल है उसकी भी इसकी उसकी भी एंट्री इसमें करते हैं डेली 10-20 10-20, तो उससे दो फायदा होगा। पहली फायदा होगा कि जो आपका पीसी क्लीन हो जाएगा, इसमें एंट्री तो करेंगे वो आपके जो काम की फाइलें रहेंगी उसी की करेंगे ना, जो फालतू फाइलें होंगे उसका डिलीट मार देंगे। तो आप अपने काम की फाइलों को डालते जाए और आपको पुरानी फाइलों को डिलीट करते चले जाए जो अननेसेसरी है, एक फायदा आपका ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा, ऐसा होगा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्ट होगी जो बहुत पहले आपको मिली थी, आप उसको भूल गए, तो वो ताजा हो जाएगी आपकी। सही। तो ये मेरा सजेशन है, आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर। बिल्कुल। ठीक है। तो एक प्रोफेशनल से, एक बाकी प्रोफेशनल से पढ़ने का यही फायदा होता है कि वो एक्सेल की चीजें नहीं आपकी काम की चीजें भी बताता है जी, जिसको रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि एक्सेल हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पहले आपके उसके ब्राउचर्स मिलते हैं। जैसे कि मैं माइक्रोवेव खरीदने गया था,
मैं कभी इससे पहले माइक्रो ट्यूल कभी यूज नहीं किया था, हालांकि हम लोग करते हैं इसलिए। तो हमारी वाइफ ने बोला कि माइक्रो ट्यूल खुलाइए, थोड़ा सा कुछ मैंने कि ड्राई खाना है, मसाला नहीं खाना, हम लोग मसाला बहुत खाते हैं तो मसाला कम खाना है, ड्राई ही खाना है, अब अन्न हम सेकेंगे और खाएंगे। तो हम खरीदने गए तो उसके साथ हमारे हमें एक बुकलेट दिया जिसमें इसमें दिया हुआ था कि इस ओवन से, इस माइक्रोवेव से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे खाने की रेसिपी थी, तो एक स्टोरी बताने का पर्पस ये था कि आप एक्सेल यूज करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल से कैसे क्या क्या चीजें बन सकती है, और एक्सेल को मैं एक ओवन मान लू इसमें कौन कौन सी रेसिपी, कौन कौन से डिशेस बन सकते हैं, उसकी एक लिस्ट मिल जाए पहले तो हमें इसको यूज करने में आसानी रहे। वरना हम रिसर्च करते जाएंगे और हमको मिलता जाए अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये भी कर सकते हैं क्या। बिल्कुल सेम उसी तरह से वो चीज कहाँ मिलेगी, वो चीज मिलेगी फाइल के न्यू में। न्यू जब ओपन करते हैं जनरली हम इसको क्लिक करके ओपन कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट है। टेम्पलेट जी। अब इसका यूज सिर्फ इसी से नहीं कि आप लर्निंग पर्पज से ही नहीं करें, इसका यूज आप एक चीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ बनाना है मतलब आपको उसका आइडिया नहीं मिल रहा है, जैसे मुझे मेरे अकाउंट का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन मुझे बॉस ने बोला कि भाई किसी ने बोला कि एक ट्रायल बैलेंस शीट को ऑटोमेट कर, अब मैंने कभी बैलेंस शीट बनाया नहीं ना बैलेंस शीट किसी का देखा है, या देखा भी है तो उसको बनाने का हमें आइडिया नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सर्च करेंगे बैलेंस शीट या बैलेंस शीट कुछ भी कीवर्ड दे दीजिए सर्च करके, लेकिन इसके लिए पीसी में इंटरनेट होना जरूरी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, यहाँ पे पर्सनल मंथली बजट आ गया, क्रेडिट कार्ड ट्रैकर आ गया, स्मॉल बिजनेस लोन आ गया, ये आपका ब्लू बैलेंस शीट आ गया, या आपका बैलेंस शीट हो गया, तो जो बहुत सारे फाइल्स है यहाँ पे सारा यहाँ पे दे दिए, तो जो मेरे रिक्वायरमेंट को फिट बैठ रहा है, जैसे मुझे फिट बैठ रहा है ये वाला, हमने सिलेक्ट किया और क्रिएट कर, ठीक है बैलेंस शीट। अब इसमें हम अपना इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, इसके लिए यहाँ पे असेस्ट है भाई कितना असेस्ट है आपका, कैश कितना है, करेंट असेस्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, फिक्स असेस्ट क्या क्या है, ये चीज यहाँ पे आपने चैरिटी भी किया है क्या किया है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसी लाइबिलिटीज किसी को उधार देना है आपको और कोई और कैटेगरीज में बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पे करेंट असेस फिक्स जो है बढ़ाना है तो आप यहाँ बढ़ा दीजिए, ये ऑटोमेटिक इसके लिए आपका बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हमने कहां से लिया, हमने लिया न्यू फाइल के अंदर। तो अब आपका ड्यूटी क्या है सर, इसमें आप जाएंगे और इसमें से 8-10 एग्जांपल को सर्च करके डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे बना हुआ है। इसे क्या हुआ कि आपके कुछ रिपोर्ट हो सकता है कि आपके अपने काम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं ना, जो भी आपका काम है, लेकिन आपको आगे लर्निंग में आइडिया रहेगा जी। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई अब्सेंस है, जो भी यहाँ पे देखिए अब्सेंस रिपोर्ट है बहुत अच्छा, ये आपके काम का हो सकता है। अब इसमें क्या है कि जिस जिसने अब्सेंट किया है उसका रिकॉर्ड इसमें आता है, प्रेजेंट का नहीं आता, सिर्फ अब्सेंट का आता है। वैकेशन पे गए थे, पर्सनल रीजन है, सिक डेज है, या कोई कस्टम है, सही, ठीक है ना। तो ट्रैकर है, इसके हिसाब से आप रख सकते हैं, हर मंथली आप इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये बना रहा फॉर्मेट है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये खाली जैसे मेरा मान लीजिए ट्रेनिंग का शेड्यूल मैंने ऐसा बना रखा है, तो मुझे उसे पता चल जाता है कि कौन से टाइमिंग में मेरा खाली है, कौन सा टाइमिंग में ऑक्यूपाइड है, कौन सा टाइमिंग में स्टूडेंट जा सकता है, किस टॉपिक के लिए जा सकता है, यहाँ पे ऊपर टॉपिक भी लिखा रहता है, पूरे दिन का और पूरे वीकेंड का यहाँ पर शेड्यूल रहता है, कौन सा बैच कब खत्म हो रहा है,
ये पूरा पता चल जाता है कि नए बैच की हम प्लानिंग कर सकें। सही, ठीक है, ऐसे चीज आप तो इसको जब तक आप देखोगे नहीं तो कैसे होगा सर? देखोगे शुरुआत में ही ना सर, अभी आप देखोगे तो लर्न करते समय इसकी आइडिया आप लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो टेम्पलेट बना हुआ, तो क्या हम भी अपना टेम्पलेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आई थिंक। क्वेश्चन आता है कि हमें टेम्पलेट बनाने की जरूरत क्या है, ये तो क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, क्योंकि तो हम लोगों को सिखाया गया था कब कैसे और क्यों, तो सबसे पहले जरूरत क्यों है? तो आप डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? जहां तक मेरा अंदाजा है, सबसे पहले आप कल की रिपोर्ट को ओपन करते होंगे, फिर उसको एवेज करते होंगे। बिल्कुल। फिर आज का डेट भी डाल के सेवेज कर दिया आपने, और जो कल की डेटा था उस डेटा को डिलीट करते होंगे, फिर आज की डेटा डालते होंगे, चाहे ऑटोमेट होगा या किसी भी तरह से होगा, लेकिन प्रोसेस हमारा यही होता है। तो इसके साथ भी इसमें एक प्रॉब्लम है सर, मैं फेयर पोर्टल में काम करता था 2009 में, 9 से 2011 किया है फेयर पोर्टल, cheapoyer.com जो है ना, cheapoyer हाँ, मतलब वही वेबसाइट का टिकटिंग का काम होता था। जी जी, अभी भी उनका होता है, वही है। हाँ अभी भी है फेयर पोर्टल, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है सर। बात की थी 2005 में, 2005 में या 2001 में स्टार्ट हुआ था उनका, वो एक कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, और अच्छा खासा सर उनका आज के डेट में। तो वहां पे क्या हुआ था कि मैं वहां पे फेयर एंड डेटा एनालिसिस में था, MISS की टीम, तो मैं वहां पे रिपोर्ट बना के भेजता था, जो भी हमारे सेल्स से रिलेटेड होती थी, फेयर का जो फ्लक्चुएशन होता था उससे रिलेटेड भेजते थे, ताकि वेबसाइट के उसी तरह से अपडेट करें, ताकि अदर वेबसाइट पर उनका वेबसाइट का लिस्टिंग फर्स्ट पे आए, हमारा काम यही था। जैसे मान लीजिए गूगल पे सर्च किया कि मियामी से टोरंटो जाना है, तो गूगल जो उनको वेबसाइट का लिस्ट देगा प्राइजेस के हिसाब से, वो फर्स्ट पे देना चाहिए ना सर। तो फर्स्ट तो प्राइजेस के हिसाब से होता है, अगर $1 के भी अंतर आया या कुछ सेंट का भी अंतर आया तो टॉप पे नहीं देगा। उसी फ्लक्चुएशन के हमें एनालिसिस करके देता है। तो क्या हुआ कि हम अपने जो उनके डायरेक्टर थे, सीईओ थे, उनको हम रिपोर्ट करते थे, सैम नाम था उनका, पूरा नाम तो पता नहीं पर हम सैम बोलते थे। तो वो कुछ दिन के लिए वैकेशन पे चले गए, तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनकी, नीतू भाटिया, वो मुझसे रिपोर्ट लेने लगी। तो रिपोर्ट में क्या था कि कुछ कॉलम थे जो कि नीतू भाटिया को जरूरत नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि सुजीत एक कॉलम हटा दो, मुझे एक कॉलम की रिपोर्ट मत दे दो। दो तीन कॉलम की इंफॉर्मेशन थी, हमने उसको हटा दिया। और वेकेशन के बाद सैम आया तो मैं उनको रिपोर्ट भेजने लगा। 15 दिन बाद सैम ने मुझे मेल किया और बोला कि ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है रिपोर्ट में, जो दो कॉलम ने डिलीट किया। अब ये पंगा पड़ गया, मैंने पिछली रिपोर्ट खोला, उसे पिछली रिपोर्ट खोला, उससे पिछली रिपोर्ट खोला, देखो सब में दो कॉलम मिसिंग है। मैंने बोला मिसिंग कैसे हो गया दो कॉलम? जब मैं खोलते गया तब मुझे तकरीबन 1.5 महीने बाद पहले की रिपोर्ट खुली, तब पता चला कि ओ इस दिन डिलीट हुई थी एक कॉलम, और डिलीट करने का रीजन तब याद आया। तो इसमें मिस्टेक क्या हुआ? मिस्टेक हुआ कि हम प्रीवियस को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल लाइन की तरह कि अगर आगे वाला बंदा लाइन में चल रहा है उसे पीछे पीछे हम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो गलत ट्रैक पे गया तो पूरी लाइन गलत ट्रैक पे चले जाएगी ना। तो सेम चीज यहाँ हुआ कि एक दिन की रिपोर्ट हमने चेंज किया, और वो चेंजिंग कंटिन्यू चलती गई। तो उसका सोल्यूशन मैंने निकाला कि जितने भी रिपोर्ट है सबका हमने टेम्पलेट बना दिया। अब टेम्पलेट कैसे बना, चलिए छोटा सा हम बताते हैं, छोटा सा कैश रिपोर्ट हम देते हैं, कैश ट्रैक रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाते हैं, छोटा सा कैश रिपोर्ट, और यहाँ पे हम
डेट हो गया, ये हमारा लोकेशन हो गया, सीरियल नंबर, पर्सन दिया, बैलेंस और फिर इसको यहां से यहां पे ले लिया, टोटल और यहाँ पे एक छोटा सा हमने यहाँ पे रिपोर्ट बना जी, और मैं डेटाबेस में जाता हूँ, यहाँ से बिलेंस हटा देता हूँ और कैश लेके रिपोर्ट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। क्लियर कर देता हूँ। अब मुझे हर दिन क्या है इसको फिल करना होता है, तो हर बार प्रीवियस डेटा को मैं डिलीट करता हूँ, नया डेटा डालता हूँ। तो मैंने क्या किया, फाइल को सेव एज किया अपनी लोकेशन पे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो सेव एज टाइप था एक्सेल वर्कबुक को चेंज कर दिया एक्सेल टेम्पलेट में, राइट। और यहाँ पे हमने अपना नाम देता हूँ कैच, नाम दे दें एंड सेव कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। अब नेक्स्ट टाइम मुझे इसको ओपन करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ जो हमारा कैश आया है ना, हाँ कैश, देखिए आइकन चेंज हो गया। अब जैसे मैं जैसे मुझे यहां पे ओपन करना होगा, मैं इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए कैश वन है सर। और जब भी कुछ अगर मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, और जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा ये सेव एज होगा, समझे? ओके। मतलब कि ये सेव नहीं होगा, सेव एज होगा, मतलब हमारी कैश वाली फाइल है वो चेंज नहीं होगी। मतलब टाइम हमेशा बरकरार रहेगा, हर टाइम मुझे ब्लैंक डेटा मिले। बिल्कुल ओके। अगर मान लीजिए चेंजिंग करते हैं, मान लीजिए मुझे इसमें पर्सन नेम नहीं देना है, तो चेंज होगा वो सिर्फ मेरे अपनी इस फाइल में होगा, मेरी ओरिजिनल फाइल में चेंज नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आपके जितने भी रिपोर्ट्स हैं उसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का एक फायदा आपका ये होगा कि आपको हमेशा ब्लैंक रहेगा, दूसरा कि अगर किसी दिन अगर रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसी दिन की रिपोर्ट में छेड़छाड़ होगा, बाकी दिन की रिपोर्ट में छेड़छाड़ नहीं होगा। तीसरी फायदा इसमें होगा कि कौन सा दिन क्या रिपोर्ट बनाना है आपको पता होगा, जैसे वीकली रिपोर्ट है, हमने क्या किया था कि हम पूरे मंडे टू फ्राइडे का फाइल बना कर रखे, हमने पूरे साल का फाइल बना कर देते थे मंडे टू फ्राइडे में। तो भाई मंडे को रिपोर्ट तीन रिपोर्ट जाती है, ट्यूजडे को दो जाती है, वेडनेसडे को पांच जाती है, सैटरडे को तीन जाती है, ऐसे सारी रिपोर्ट की टेम्पलेट बना दिए, हम खोलेंगे और रिपोर्ट को बनाएंगे और भेज देंगे, राइट। तो इससे हमें पता रहेगा कोई मिसिंग नहीं होगा रिपोर्ट हमारा, वेडनेसडे का पांच रिपोर्ट जाती है, ये चीज आपको याद नहीं रही, आपने कैजुअली तीन ही रिपोर्ट बना के भेज दी, फिर आपको मेल आएगा दो रिपोर्ट क्यों नहीं है, फिर आप बराबर बनाओगे। अच्छा है कि आप इस तरह की चीजें मेंटेन कर सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, आप टेम्पलेट को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसमें अपने काम की चीजें ढूंढेंगे। राइट right.